हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या पैन। तो पैन दो तरीके से अप्लाई हम लोग करते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए तो फॉर्म होता है, फॉर्म जैसे मैंने एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये पैन का फॉर्म होता है जिसको भर के हम लोग अप्लाई करते हैं। इसको इस पैन के फॉर्म को भर के 49A पैन अप्लाई करने के लिए 49A फॉर्म यूज होता है। इसको डाउनलोड कैसे करते हैं ये तरीका, और दूसरा ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कैसे अप्लाई करते हैं। ऑफलाइन अगर आप करेंगे तो इस पूरे फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, दो पेज का ये फॉर्म होता है। दो पेज का फॉर्म पूरा भर के हम लोग जाएंगे 10 फैसिलिटेशन सेंटर पे अप्लाई करने के लिए। और ध्यान रख देखिएगा, ये अगर जब आप ओपन करेंगे इस डाउनलोडेड फॉर्म को तो यहाँ दिखाता है 8 पेज, लेकिन 2 पेज ही होता है, बाकी सभी इंस्ट्रक्शंस हैं। आराम से इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ के इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ऑनलाइन का तरीका जो हम लोग सीखेंगे वो हम लोग एक वेबसाइट से सीखेंगे, जैसे कि ICA। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ICA स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, ध्यान रखिए। ओरिजिनल पैन अप्लाई करना नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने एक स्टूडेंट की ID ले लिया, लॉगिन कर लेते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे इस डैशबोर्ड के ऊपर देखिए, यहाँ प्रोजेक्ट्स लिखा होता है, आपको प्रोजेक्ट्स में जाना है। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए TDS होता है, और TDS पे आपको जाना, 49A के लिए आपको TDS पे जाना होगा, ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम लोग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पे आप लोग क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज जो खुलेगी आप देखोगे जो इनकम टैक्स इंडिया की जो साइट है, इनकम टैक्स इंडिया, उसके सेम इन्होंने क्या किया है, कॉपी किया हुआ है पूरा वेबसाइट। एकदम आपको लगेगा कि हाँ, इनकम टैक्स इंडिया की साइट पे हम काम कर रहे हैं। थोड़ी सी इनकम टैक्स इंडिया की साइट भी लग रहा है, स्लो ही चल रही है आज। ओके, हालांकि इनकम टैक्स इंडिया नहीं, ये तो आपके ICA की साइट है। देखिए ध्यान से, ऐसा लगेगा आप इनकम टैक्स की साइट पे काम कर रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा ये मैं फिर से बता दूं, ये डमी साइट है। हमें जाना है टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज पे। यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करिए, जैसे ही व्यू मोर पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, आपको मिलेगा पैन का, टैन का। तो हम लोग को चूंकि पैन अप्लाई करना है तो इसलिए हम लोग पैन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे पैन पे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होती हैं, जो मैं फॉर्म दिखा रहा था वो यहाँ से फॉर्म सप्लाई फॉर पैन यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करके फिर डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। हम लोग को मेनली समझना है क्या, ऑनलाइन अप्लाई। तो ऑनलाइन अप्लाई देखिए, क्लिक टू अप्लाई, तो यहाँ पे देगा पैन ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अब इसमें जैसे ही आप देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक दे रखे हैं दो, तो इसमें पहले लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे tin.nsdl.com। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब अगेन नेक्स्ट बॉक्स खुलेगा कि एप्लीकेशन फॉर पैन थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज, तो न्यू पैन फॉर इंडियन सिटीजन 49A, फॉरन सिटीजन होते तो 49AA, तो हमें 49A पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, इंस्ट्रक्शन से पढ़ सकते हैं आप। अब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल के लिए अप्लाई करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट। हालांकि ये जो प्रोसेस आपको दिया हुआ है ये तो पुराना प्रोसेस है, लेकिन चूंकि एग्जाम में आपको करना ही है तो इसलिए जरूरी है आप इसको फॉलो कर लो। अब यहाँ वार्ड सर्कल पूछ रहा है, अगर आप ओरिजिनल वार्ड सर्कल यूज करना चाहते हैं, हालांकि ये ध्यान रखिए ICA की साइट है, ये ओरिजिनल, इट इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पज। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो चाहते हैं आप अगर ओरिजिनल अपना AO कोड वोड भरने के लिए, तो यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा। जैसे मैं ढूंढ लेता हूँ AO कोड ऑफ गोरखपुर, ये तो मैं ओरिजिनल ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको जानना है आपका AO कोड क्या है गोरखपुर का, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके जान सकते हैं। ये देखिए पूरा खुल गया गोरखपुर का। सपोज करिए मैं रहता हूँ कहाँ, कंट्रोल एफ करता हूँ, फाइंड, मैं रहता हूँ दुर्गाबाड़ी। तो दुर्गाबाड़ी देखिए आगे यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं। ओके, दुर्गाबाड़ी का आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दुर्गाबाड़ी यहाँ पे, और ऊपर देखिए सबसे पहले वार्ड सर्कल रेंज दे रखा है, कमिश्नर एरिया कोड AO टाइप रेंज कोड AO नंबर। AO का मतलब समझते हैं सब लोग, असेसिंग ऑफिसर, मतलब आपका जो टैक्स है वो कौन असेस कर रहा है। तो चलिए भरते हैं इसको। सबसे पहले पूछ रहा है वार्ड सर्कल, तो वार्ड सर्कल में आपका ये ITO2 है। ओके, इतना आपका AO कोड है। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। रेंज जो है ध्यान रखिएगा, इसमें रेंज भी दिया था, सर्कल के बाद रेंज है, तो रेंज में ये ब्रैकेट में जो 2 है वो रेंज है। तो ये हम स्टार्टिंग से पूरा लेंगे, ये आपका रेंज में आ गया, टेस्ट कर लीजिए। कमिश्नर जैसे गोरखपुर है,
तो हम लोग इसको गोरखपुर को कॉपी कर लेते हैं। हालांकि कॉपी के आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर पूछा एरिया कोड, तो एरिया कोड आपका पता है LKN है, यानी लखनऊ। एरिया कोड हो गया LKN। नेक्स्ट क्या है, W272। W है वो टाइप, नेक्स्ट रेंज है 27। अब सवाल उठता है सर ये सब 27 का क्या मतलब, इसको आपसे कोई लेना भी देना नहीं है। ये बेसिकली टैक्स ऑफिसर्स जितने भी टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने बेसिकली हर एरिया को अपने हिसाब से बांट रखा है। जैसे इंडियन डाक ने सभी को पिन कोड के हिसाब से बांट रखा है, इन्होंने भी अपना एरिया कोड एओ टाइप के हिसाब से इन्होंने बांट रखा है, ताकि उन्हें पता चले ये किस जगह का टैक्स हमारे पास आ रहा है, या कौन सा बंदा है जिसने अपना पैन अप्लाई किया है, किस एरिया का है, उसको सही जगह पे देखने के लिए। फुल नेम देखें यहाँ पे, अब आपको डालना है जाहिर सी बात है, अगर आप श्रीमती कुमारी, आपको पता ही किसके लिए लगाते हैं, मेसर्स फर्म के लिए होता है, इंडिविजुअल लिया है तो यही लेंगे, ले सकते हैं आप, इसे नहीं लेना है तो छोड़ सकते थे। लास्ट नेम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भर दिया, एक मैं डमी नाम ले रहा हूँ, ठीक है, अमित या शाहरुख खान का नाम क्या था, राज, तो राज का बना देता हूँ, राज, लेकिन लास्ट नेम यहाँ पहले मांग रहा है तो राज कुंद्रा कर देते हैं, फर्स्ट नेम राज, ओके, मिडिल नेम छोड़ दीजिए, अगर मिडिल नेम होता राजकुमार कुंद्रा तो कुमार यहाँ लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर अगला है क्या, नेम ऑफ यू लाइक प्रिंटेड ऑन कार्ड, कार्ड एम जो पैन कार्ड पे किस नाम से प्रिंट हो, तो पूरे नाम से होगा राज कुंद्रा, है ना। फिर क्या है, एक बार फिर से वीडियो के दौरान बता रहा हूँ कि ये डमी साइट है, ये ओरिजिनल पैन मत समझिएगा इसको, ये सिर्फ एग्जामिनेशन प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ। हैव यू नेवर एवर बीन नोन बाई एनी अदर नेम, नो, किसी और नाम से नहीं जाना जाते हैं, किसी और नाम से मतलब जैसे उर्फ, जैसे सपोज करो राज उर्फ लल्लन सब, अगर इस तरह से कुछ होता, या राज उर्फ मुकद्दर का सिकंदर, ऐसा कुछ है, ठीक है ना, उल्टा पुल्टा कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। अगर कुछ भी आपका नाम होता तो यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे अगर आप किसी और भी नाम से जाने जाते हो, ठीक है ना, जैसे राज उर्फ बंटी, बंटी के नाम से बड़े फेमस है, तो यहाँ बंटी नहीं, लेकिन हमें नहीं देना है, कोशिश करिए कि ना ही बने तो अच्छा है। जेंडर फिलहाल मेल, ओके। फिर अगला देखिए, डेट ऑफ बर्थ हम लोग दे देते हैं 5 मई 1990, ओके। अब फादर्स नेम, लास्ट नेम मांग रहा है तो इनका भी तो कुंद्रा ही होगा, कुंद्रा, फिर अमित, ओके। नेक्स्ट है एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस लिख देते हैं H516। नेम प्रीमाइसेस विलेज गोपाल बिल्डिंग, ओके। स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस गोरखनाथ, या रोड लिखना है सुनौली रोड, सॉरी एरिया लोकेलिटी दुर्गाबाड़ी, टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, नेक्स्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट पिन ये हमने दे दिया। अब इसके बाद देखिए इंडिया वाले अपने आप पकड़ा, ऑफिस एड्रेस आपको नहीं भरना है, भरते समय ध्यान रखा कीजिए ये सब जो रेड रेड स्टार बने हुए हैं वो तो मस्ट है, आपको भरना है, जितने भी स्टार स्टार आप देख रहे हो दीज आर मस्ट, यहाँ स्टार नहीं था देखो मैंने नहीं भरा है ना, जहाँ भी स्टार लगा हुआ है वो भरना मस्ट है, बिना उसको भरे नहीं एक्सेप्ट होगा फॉर्म, ओके। 8 नंबर पे भी देखिए स्टार लगा है, एड्रेस ऑफ, और जब भी फॉर्म भरा कीजिए इसको नंबर से याद किया कीजिए, पहले नंबर पे फुल नेम, दूसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर पे क्या, चौथा नंबर, ठीक है, पांचवा नंबर हो गया, हाँ हो गया, छठवां नंबर हो गया, हाँ हो गया, सातवां नंबर, यस एड्रेस भर दिया। नेक्स्ट है क्या, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ तो किस एड्रेस पे कम्युनिकेशन हो आपसे, रेजिडेंशियल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर पे ध्यान रखा कीजिए, बहुत से लोग इसमें बेवकूफ़ी करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इंडिया यहाँ कोड दे दिया, अब कई लोग क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर पे लिखने के बाद टेलीफोन नंबर भरने लगते हैं, तो नहीं एक्सेप्ट करता है, ध्यान रखिए अगर मोबाइल नंबर भरे हो
टेलीफोन नंबर भर के। अब यहाँ पे देखिए, कई लोग क्या करते हैं ना, यहाँ टेलीफोन नंबर डालेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना शुरू करेंगे, जबकि टेलीफोन नंबर याद होगा 0551 करके, फिर आगे जा करके 225 1863 इस तरीके से हुआ करते थे, छोटे छोटे डिजिट, 7 डिजिट का होता था, लेकिन मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का होता है। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, कॉल मत करिएगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट है क्या, ईमेल आईडी। राज का है ना, तो राज का करते हैं। मैंने डमी साइट, डमी जीमेल आईडी लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि डमी सारा काम हो रहा है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे इंडिविजुअल पी, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, देन यहाँ पे भरना है, ध्यान रखिएगा, आधार नंबर। तो आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, हो गया 12 डिजिट। नेक्स्ट, अब 12वां हो गया। अब देखिए 13 में देखिए क्या करना है, आर यू सैलरीड एम्प्लॉयड, ये सब नहीं, सीधे सी पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ दिखा देंगे नो इनकम, सपोज करिए इनकी कोई इनकम नहीं है। ओके, 14 नंबर जो है इसमें आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव असेसी का भरना है। रिप्रेजेंटेटिव असेसी तब भरा जाता है जब जो एप्लीकेंट की उम्र 18 साल से कम हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी डिसेबिलिटी से जूझ रहा है कि वो सिग्नेचर नहीं कर सकता है। ओके, नाउ डॉक्यूमेंट इनक्लोज्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, तो आई हैव इनक्लोज्ड एज अ प्रूफ ऑफ आईडी। प्रूफ ऑफ आईडी में आप इतनी सारी चीजें लगा सकते हैं, तो प्रूफ ऑफ आईडी में आप क्या लगा रहे हैं, सपोज करिए हमने अपना पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगा दिया, और देन क्या प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या लगा रहे हैं, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में सपोज करिए हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते थे, लगा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल ही। नेक्स्ट क्या है, लेकिन आज के समय में सब आधार कार्ड चल रहा है, हर जगह आधार कार्ड ही मांग रहे हैं, वो ईजी है इसलिए। अब आई, तो जैसे पता राज कुंद्रा है ना, तो राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के भाई, मत समझिएगा इसे, ठीक है, वो भी आजकल फैमिली में, राज कुंद्रा कुंद्रा फैमिली में है ना। ओके, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, नाउ हिमसेल्फ यहाँ पे कर दीजिएगा, अगर सॉल्व होता है सर। नेक्स्ट वाला ऑप्शन किसके लिए, रिप्रेजेंटेटिव असेसी, आप समझ ही गए होंगे, जिसकी उम्र 18 साल से कम है उनके लिए। अब फिर प्लेस, प्लेस में हो जाएगा गोरखपुर, गोरखपुर हो गया, बस प्लेस कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स, अच्छा पेमेंट डिटेल्स आप लोग जाते हैं ना, आप लोग क्या ध्यान दिया कीजिए, अगर आप पेमेंट डिटेल्स में आप नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, डिमांड ड्राफ्ट अगर भर रहे हैं ना, तो बैठ के ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, चेक भर रहे तभी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। आप क्रेडिट कार्ड आप चूज कर लिया कीजिए, तो इसमें आपको कोई डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी। और फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, सबमिट करना है, सबमिट का बटन थोड़ा मैं हाइड कर देता हूँ पहले, ट्रांसफर, ट्रांसफर हाइड कहाँ से होता है, ओके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। बेसिकली पेज ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग को ये करना पड़ेगा। अब देखिए अभी भी नहीं आ रहा है, छोटा कर लेते हैं। अब आ गया सबमिट, मेरे ख्याल से बटन है, अब क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक हो गया। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि आपने अपना फॉर्म ढंग से भर दिया। यहाँ देखिए पूरी डिटेल आ रही है, ठीक है ना, इंडिविजुअल ने अप्लाई किया, ये एड्रेस है, ओके। ये सब करने के बाद फिर आप क्या करना है, इसको सेव करना है, जैसे कि एग्जाम में आता है कि इसको आपको सेव भी करना है, तो सेव करने के लिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन होता है, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड जब करेंगे तो जहाँ भी डेस्कटॉप पे आपने फोल्डर वोल्डर बनाया, सपोज करिए मैंने पैन नाम के फोल्डर बनाया, तो यहाँ पे लाके ओपन करके यहाँ सेव कर लेंगे, तो ये एक्नॉलेजमेंट आपको दिखाना होगा उन्हें, बस सेव हो गया। तो ये था ऑनलाइन एप्लीकेशन पैन का, जो मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल तरीके से। आज के लिए इतना ही वीडियो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।